S N reactions. S N reaction मतलब बोलो क्या पता होता है S N reaction का? इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ठीक है, एस एन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, मतलब क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. तो फिर बताएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, बोलो. अब तक इतना तो याद होगा ही, बताइए किस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लीविंग ग्रुप में कल्के न्यूक्लियोफाइड ऐड हो गया. हाँ, तो लीविंग ग्रुप मतलब ऑब्वियसली बात है, लीविंग ग्रुप भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है ना, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आपके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. देखो है ना, समझ में आया. तो आर एक्स में ये एक्स क्या है, ये आपका लीविंग ग्रुप हो गया क्योंकि रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको लीविंग ग्रुप बोल देते हैं, है कि नहीं. तो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया, उसने क्या किया, इस एक्स को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना. तो सिंपल तरीके से लिखना चाहे लिख लीजिए, रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना. तो इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इज नोन एज SN reactions, nucleophilic substitution reactions. अच्छा, इनकी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत टाइप का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना. तो जैसे मैं आपको टाइप बता देता हूँ पहले शॉर्ट में, है ना, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे सबको. जैसे SN1 है, SN1 का मतलब है ऊपर N के ऊपर ये 1 लगा हुआ है, बोलियो क्या मतलब होगा इसका, बोलो. मॉलिक्यूलर, हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब हो गया यूनिमोलिक्युलर, मतलब इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है, 1, ठीक है ना. इसी तरह से SN2 का मतलब क्या हो जाएगा, था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में क्या लिख देना, हाँ, बाय मॉलिक्युलर, बाय मॉलिक्युलर, इसका मॉलिक्युलरिटी 2 है बस, है ना. तो रिएक्शन होगा ओवरऑल तो यही कि न्यूक्लियोफाइल आपका दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, पर मैकेनिज्म डिफर कर जाता है ना. SN1 में डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होता है, SN2 में ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो डिफर कर जाता है ना. तो उस मैकेनिज्म डिफर है, बाकी प्रोसेस तो वही हो रहा है. चलिए नेक्स्ट आता है फिर आपके पास SNI. I मतलब चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है ना. तो इंट्रा मॉलिक्यूलर है. इसके बाद आएगा आपका SNNGP. SNNGP का मतलब है वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है. तो SNNGP बोल देते हैं इसको, ठीक है. ये तो हो गए अपने मेन, है ना, जो अपने अगले हाईलाइट में होने वाले हैं, है ना. इसके अलावा 4 और हैं आपके पास अभी, ठीक है ना. चलिए पहले इनको लिखिए जल्दी से, फिर बाकी आगे और डिस्कस करते हैं. चलिए तो नेक्स्ट आता है आपका. अच्छा, नेक्स्ट वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है SNE, याद है, बोलिए. ऐसे नहीं मतलब क्या होता है, बताओ. एडिशन एलिमिनेशन, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना. और ए मतलब फर्स्ट एडिशन देन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन है वो, ठीक है. और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, बोलो. एस एन ए फॉर एसिड डेरिवेटिव्स, अरे याद है, भूल गए सब. ऐसे डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती हैं, ज्यादा है ना. कोई भी ऐसे डेरिवेटिव है आपके पास इस तरह से, तो क्या करोगे आप,
न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो लीविंग ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। और मैकेनिज्म क्या है इसका, पहले एडिशन होता है देन एलिमिनेशन होता है। बोलिए याद है सबको, हाँ, ऐसे डेरिवेटिव का रिएक्शन। चलिए अच्छा, इसी में ना एस एन ए आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी होता है, एरोमेटिक हैलाइड्स के लिए होता है, है ना। एस एन ए फॉर एरोमेटिक हैलाइड्स, ठीक है। एरोमेटिक हैलाइड्स क्या होते हैं बोलो, बताओ। एरोमेटिक हैलाइड्स मतलब जिनमें बेंजीन से डायरेक्टली ग्रुप अटैच हो, या बेंजीन क्या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, ठीक है। और इस रिएक्शन का एक और नेम है, इसको एस एन ए आर भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एरोमेटिक हैलाइड्स, या एस एन ए फॉर एरोमेटिक हैलाइड्स, है ना, सेम ही है। अच्छा देखो इसमें होता क्या है, इसमें जब भी आप न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं तो क्या करेगा वो, इस एक्स को इसकी पोजिशन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। बस मैकेनिज्म चेंज होता है इसका, ठीक है ना। पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एड करेगा, उसके बाद फिर लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है ना। पहले एडिशन होता है उसके बाद एलिमिनेशन होता है, चलो वो डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म जब आएगा, ठीक है। इसके बाद है आपके पास एस एन ई ए, है ना। एस एन ई ए मतलब अब क्या हो जाएगा, अब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एलिमिनेशन देन होगा एडिशन, है ना। तो फर्स्ट एलिमिनेशन देन एडिशन, ठीक है। तो लिख लीजिए क्या है इसका नेम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट एलिमिनेशन देन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन। अच्छा इसके लिए अलग से नेम है, इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है ना। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या करता है, जो भी आपके एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं इसमें क्या करता है, जो भी आप न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे, जैसे मैंने NH2- NH3 में यूज किया, तो क्या करेगा बताओ, बोलिए। जैसे एक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पे, NH2 वाला ग्रुप जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया वो इस पर जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको बेंजीन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं बताओ, बोलो। बेंजीन मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो बेंजाइन होता है, जानते ना बेंजाइन, तुमने पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट है ना। हाँ तो बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस तो मैकेनिज्म के साथ बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बनाएंगे, है ना। तो ये ओवरव्यू हो गया आपका, ये आपको पढ़ने हैं, है ना। इसमें से आप लोग ये एसिड डेरिवेटिव वाला तो पढ़ चुके हो, एस एन ई फॉर एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना, एस एन टू टी एच रिएक्शन जिनको बोलते हैं, तो वो तो अपना हो गया। बाकी का जो बचा हुआ है वो हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया ओवरव्यू, चलिए जल्दी से लिखिए फिर एस एन वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो एस एन वन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट रिएक्शन है आपका SN1। और SN1 SN2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके, है ना, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन में देखो ओवरऑल प्रोसेस तो वही है कि आपके पास क्या होगा, एक्स ग्रुप अटैच होगा, एक्स आपका जनरली हैलाइड भी हो सकता है, कोई और भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ आप लोग रिएक्शन कराइए, तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को इसकी पोजिशन से रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कोई भी टाइप का न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो रिप्लेस कर देगा क्या, बोलो। नहीं कर पाता ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि आप वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल ले लो बहुत ही, है ना, तो वो किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो आप अलग से यूज कर रहे हो रिप्लेस करने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग टाइप का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आपके वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है ना। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है SN1 का, है ना, यूनिमोलिकुलर, है ना, मोलिकुलरिटी 1। क्या मतलब है इसका बोलो, मोलिकुलरिटी 1 का मतलब इसमें RDS में बस एक ही मॉलिक्यूल
हाँ आरडीएस में केवल आपका एक ही स्पीशी या रिएक्टिंग स्पीशी पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक ही टाइप का रिएक्टेंट होना चाहिए, तो कौन सा होगा वो? ऑब्वियसली बात है आरएक्स ही रहेगा, आरएक्स है ना। हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा इसमें से जो एक्स है वो यहाँ से रिमूव कर जाएगा, एक्स हो गया यहाँ से रिमूव और क्या बन गया आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और यही रिएक्शन का आरडीएस स्टेप भी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप, सबसे टिपिकल स्टेप यही होता है ना। और फिर फाइनली क्या करेगा, फिर फाइनली आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल आपने यूज किया है वो, अब कैटाइन है, कैटाइन तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो इजीली ऐड भी हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताइए आपको जो न्यूक्लियोफाइल यूज करना है ना, वो ऑब्वियसली बात है एक से तो स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा, पर आप लोग वीक टाइप की न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हो क्या, बोलो। कर सकते हैं ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, कार्बोकेटाइन बन गया एक बार, कार्बोकेटाइन तो कैसा है पॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है, तो वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो ऐड हो जाएगा ना कार्बोकेटाइन पे, तो बोलो, है ना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है हमें इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइए आप रिएक्शन देख के कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, बोलो बताओ। आरडीएस आपके सामने है ना, पूरा जो रिएक्शन है वो आरडीएस वाली स्टेप पर डिपेंड करता है, सेकंड वाला स्टेप तो फास्ट स्टेप है जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है इस पर, कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स। हाँ तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की पावर 1, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, है ना। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है, 1 है, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है इसका, 1 है, है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके अलावा और बताइए और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बिल्कुल सही है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही तो फास्ट रिमूव करेगा, और जितना फास्ट रिमूव करेगा उतना ही इजीली या उतना ही जल्दी से आपका कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कैटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए मेनली, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। और बोलिए और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, बताओ, बोलो। टेम्परेचर पर तो सभी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर तो अलग ही, उसको हटाई तो, है ना, बोलो। इसके अलावा कैटायन, हाँ देखो तीन स्पीशीज है ना, मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस है, तो आरएक्स पे डिपेंड करेगा, कैटायन पे डिपेंड करेगा, और एक्स हट रहा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, बस ये तो मेन फैक्टर होगा इसमें। तो किस पे डिपेंड कर रहा है फिर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना जल्दी से बन जाएगा, है कि नहीं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, है ना, और इसी पे आपको क्वेश्चन भी करने, ठीक है ना। मेनली तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है, और अगर कार्बोकैटायन सेम टाइप का बन रहा है तो फिर लीविंग ग्रुप अलग होगा तो स्टेबिलिटी देख लेना बाद में, है ना। तो मेन तो कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, और एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो कितना ज्यादा पोलर मीडियम में हो रहा है ना, मतलब मीडियम की पोलरिटी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देख सकते हो रिएक्शन में कैटायनिक स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल है ना, पोलर टाइप की स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली बात है कौन फेवर करेगा, पोलर टाइप का सॉल्वेंट ही फेवर करेगा रिएक्शन को, ठीक है, और उसमें भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ये फिक्स कंडीशन है। कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए आपके पास, बोलिए, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक जानते हैं ना सब, हाँ, तो जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक कैरेक्टर होगा आपके सॉल्वेंट का उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा, ये याद रखो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्यों चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए आपका सॉल्वेंट, ठीक है। चलो अभी क्यों होना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, है ना। पहले बताइए ये सब पॉइंट समझ में आए, बोलिए, यस सर, है ना, सिंपल पॉइंट्स हैं। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं शॉर्ट में,
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, और आपको पता है कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो सबसे पहले क्या करता है, बोलो क्या होगा कार्बोकैटायन में? रीअरेंजमेंट। बिल्कुल, तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे यूज आएगा पूरा आपका कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, है ना, जो भी आपको 11 में पढ़ाया था जीओसी के टाइम पे, वो इसलिए पढ़ाया था ताकि अब आप यहाँ पे यूज कर पाओ उसे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए पहला कैरेक्टरिस्टिक, सेंस फ्री कार्बोकैटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन so that rearrange products form, ठीक है ना। चलिए इतना लिखिए ना, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ इसके। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन का लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, मान लीजिए आपके पास एक है ना लिविंग ग्रुप अटैच है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है, हैलाइड हो सकता है, किसी की भी बात करो, और आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया है और रिएक्शन आपको पता है कि SN1 टाइप का है ना, तो बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ, बोलो। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन सकता है? 3 डिग्री वाले पे न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा, है ना, कहाँ चला जाएगा? 3 डिग्री वाले पे। और फिर क्या होगा? फिर इसी वाले कैटायन पे क्या अटैच हो जाएगा? आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, बस ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। माइनर प्रोडक्ट तो वहां भी अटैच हो सकते हैं जहाँ पे कैटायन, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जिसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं कि इस टाइप का आपके पास हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, SN1 टाइप का कंडीशन है, तो बोलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। 6 मेंबर रिंग बनेगी। हाँ, तो 5 मेंबर रिंग के आउटर पर कैटायन आएगा, किसमें रीअरेंज कर जाएगा? वो 6 मेंबर रिंग में रीअरेंज कर जाएगा, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा और मोर स्टेबल कैटायन होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। बोलिए इसी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होंगे, ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं ना। चलिए, तो ये सब पॉइंट आपको पता लग गया। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे। अब आपको ये भी पता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने के बाद अगर आपका काइरल कार्बन जनरेट हो जाता है ना, तो बोलिए बताओ फिर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो, मतलब कम से कम दो तो बनेंगे बनेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। और दोनों का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? अपोजिट कॉन्फिगरेशन होगा, मतलब डिफरेंट कॉन्फिगरेशन के दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ना। तो लिख लीजिए, देखिए, इफ काइरल कार्बन जनरेट्स आफ्टर अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद कार्बोकैटायन, देन क्या होगा? 2 compounds with
different configuration will form. ठीक है, और केवल एक ही कायरल कार्बन अगर है, वही कायरल कार्बन है तो क्या बोलेंगे, रेसिविंग मिक्सचर बोलेंगे. तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाँ, रेसिविंग मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा ना. तो रेसिमिक मिक्सचर विल फॉर्म. ठीक है, बोलिए, बात समझ में आया? मतलब जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये बात कि आपको एक PHHR ये हैलाइड है आपके पास, है ना, और आपने वही न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया है, SN1 टाइप का कंडीशन है, तो बोलिए क्या होगा, कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो. दो डिफरेंट प्रोडक्ट है ना. कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले तो बनेगा कैटायन, और आपको पता है कैटायन कैसा होता है, प्लेनर टाइप का होता है ना. कैटायन तो प्लेनर है ना. जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको पता है कि टू पॉसिबिलिटीज है, एक अपसाइड से भी अटैक कर सकता है और डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है. तो दो डिफरेंट टाइप के कॉन्फिगरेशन बन जाते हैं इसी के बेसिस पर, है ना. तो किस तरह लिखोगे? तो देखो, जहां पे एक्स था वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके अपोजिट साइड पे अटैच हो जाएगा, मतलब इनेंशोमेरिक पेयर बन जाएगा. ठीक है ना, मिरर भी जैसे दोनों इनेंशोमेरिक पेयर है. अच्छा, ये जो आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट है इसको क्या बोलते हैं, बोलो, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है? ये है आपका प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कैसा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. बोलिए क्यों है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? देखो, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट जैसा कॉन्फ़िगरेशन है सेम, जहां पे एक्स अटैच था उसी पोजीशन पे आपकी क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया. तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन किया है इसने. और जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा बताओ, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो गया कॉन्फिगरेशन का. तो ये है प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. बोलिए, कहीं कोई डाउट है तो बताओ. इसमें टू डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक रिटेंशन वाला और एक इन्वर्जन वाला. ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से इतना. तो चलिए अब थर्ड पॉइंट देखिए. थर्ड पॉइंट ये है, देखो आपको क्या करना है, आपको किसी भी लीविंग ग्रुप को रिमूव करना है ना, या मेनली अगर हैलोजन्स वगैरह हैं तो उनको रिमूव करना है आपको इजीली. ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो, कुछ लुइस एसिड्स वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे Ag+ हो गया, है ना, AlCl3 है, आपको पता है SbCl5 है. ये सब दूसरे एसिड्स वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके प्रमोट करते हैं SN1 रिएक्शन को. क्यों? क्योंकि जल्दी से क्या करेंगे, जो भी आपका लीविंग ग्रुप है या हैलाइड है उसको क्या करेंगे, इजीली रिमूव करने का काम करेंगे. तो लिख लीजिए, आर आल्सो यूज्ड टू प्रमोट SN1 रिएक्शन, है ना, जैसे RCl है आपके पास. ठीक है, तो क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल तो साथ में है ही है, तो रिएक्शन को और इंक्रीज करने के लिए क्या ऐड कर दोगे, जैसे आपने AlCl3 डाल दिया, है ना, Ag+ आपने ऐड कर दिया इसमें, तो क्या करेगा वो, इजीली Cl को और इजीली रिमूव कराएगा ना. तो जल्दी से क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. बोलिए, समझ में आया? तो रिएक्शन तो वही है, सेम होने वाला. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट. SN1 रिएक्शन को सोल्वोलाइसिस रिएक्शन बोला जाता है. SN1 रिएक्शन आर known as solvolysis reactions, है ना. क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो reactions हैं इनमें आप अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं कर रहे हो, जो सॉल्वेंट है ना वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है. मतलब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल सेम ही टाइप की स्पीशी होती है. ठीक है, तो जो हम जो NU-NU- लिखे जा रहे हैं अभी तक, वो सब क्या है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, साथ में क्या है, वो सॉल्वेंट ही है. ठीक है ना, तो ऐसे में रिएक्शंस आर नोन एज सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस. क्यों? बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए RX, आपने रिएक्शन कराया इसका H2O में,
वाटर है, पोलर प्रोटिक है, तो क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप आर प्लस का फॉर्मेशन होगा। अब आपको पता है आर प्लस बना, कैटायन बना, तो एच टू खुद भी तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसी पे आके अटैच हो जाएगा कि नहीं होगा वो, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या एच टू, एच टू सॉल्वेंट भी है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है ना, तो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। और स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हो आप। अब आपने सॉल्वेंट वाटर यूज किया है तो बताओ क्या बोलते हैं रिएक्शंस को, बोलिए। रिएक्शंस आर नोन एज, अरे बता सकते हो अब तो, हाइड्रोलाइसिस, इन्हीं को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, है ना, जनरली सोल्वोलाइसिस, और अगर वाटर है तो हाइड्रोलाइसिस, है ना। अच्छा, यही प्रोसेस अगर आपने एल्कोहल के प्रेजेंस में किया होता, आपके पास एल्कोहल है, तो देखो प्रोसेस वही होता, कैटायन का ही फॉर्मेशन होने वाला है ना, और एल्कोहल जो मॉलिक्यूल है वही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करेगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसे ईथर बन जाएगा, अटैच हो जाएगा जाके, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे इन रिएक्शंस को, एल्कोलाइसिस बोलेंगे इसको, है ना। तो एल्कोहोलाइसिस रिएक्शंस, जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है वैसे एल्कोलाइसिस हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड यूज कर लिया, एसिटिक एसिड भी सॉल्वेंट ही है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो रिएक्शन कराया वही आरएक्स के साथ, तो कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो एसिटिक एसिड है ना, वही आपका किसकी तरह भी एक्ट कर रहा है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो कैटायन पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। देखो इस तरह से हो गया अटैच, इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि एसिटिक एसिड यूज किया है तो एसिटोलाइसिस बोल दो, बोलिए, समझ में आया, बताइए। तो हाइड्रोलाइसिस मेन है आपका, है ना, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, ठीक है। तो वाटर है आपका सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह ही काम करता है, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल किस टाइप का है, देख सकते हो, आपका सॉल्वेंट ही तो है न्यूक्लियोफाइल, मतलब वीक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। चलिए लिखिए और समझते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी कर्व देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि किस तरह से वेरी कर रहा है। तो आपके पास वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर हमेशा की तरह रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यहाँ है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए फिर किस तरह से वेरी हो रहा है, किस तरह का ग्राफ बनेगा, चलो। तो कितना स्टेप रिएक्शन है पहले तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में कैटायन बनेगा, और चलो रीअरेंजमेंट वगैरह काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, जनरलाइज करते हैं, कैटायन बनता है और फिर इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैच होके आपका प्रोडक्ट बन जाता है, यही तो है ओवरऑल रिएक्शन। तो टू स्टेप रिएक्शन है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी था, अब यहां से आपका एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप के लिए, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है आरडीएस, तो फर्स्ट स्टेप कहां पे आके स्टॉप होगा, आर प्लस पे, तो यहाँ पे आपके पास आर एक्स था, तो आर पॉजिटिव पे जाके स्टॉप हो गया रिएक्शन, मतलब इंटरमीडिएट बन गया, स्टॉप क्या हुआ, ठीक है। पर आपको पता है फर्स्ट स्टेप में या जितने भी स्टेप होते हैं सब में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट वन नेम दे देते हैं हम लोग, ये ट्रांजिशन स्टेट वन हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि सेकेंड स्टेप जो होगा वो आपका फर्स्ट स्टेप है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा, तो मुझे बताओ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, बोलो, एक्सोथर्मिक है ना, और इसलिए हो भी रहा है,
अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप का होता तो फिर सब्स्टिट्यूट कर भी नहीं पाता है ना, क्यों एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है, कोई रीजन बताएगा? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म तो हो रहा है वो ठीक है, पहले भी तो बॉन्ड फॉर्म था, ये वाला जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी वाला बॉन्ड होना चाहिए, है ना, मतलब चारों मतलब हर तरह से एक ही मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, जो बॉन्ड फॉर्म करे उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, हाई बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए, ठीक है ना, तो अभी तो रिप्लेस कर पाएगा। चलिए, इस सेकेंड स्टेप में भी एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट टू बोलते हैं, बोलिए तो टू ट्रांजिशन स्टेट है आपके पास, बताइए, है ना, बोलो जल्दी से, टू ट्रांजिशन स्टेट है। अच्छा, इन ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर भी बता सकते हो आप लोग, बोलो ट्रांजिशन स्टेट वन ट्रांजिशन स्टेट टू कैसा होगा? तो ट्रांजिशन स्टेट वन कैसा होने वाला है कि एक आपके पास क्या है, कार्बन है, है ना, इससे लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप क्या हो रहा है यहाँ से रिमूव कर रहा है, तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, लीविंग ग्रुप पर डेल्टा नेगेटिव, तो इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बताओ, लीविंग ग्रुप रिमूव हो रहा होगा ना इसमें, और फाइनली लीविंग ग्रुप जब रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकेटन बन जाएगा, तो इंटरमीडिएट बन गया, है ना। ट्रांजिशन स्टेट टू में क्या हो रहा होगा बताओ, बोलो कैसा स्ट्रक्चर होगा ट्रांजिशन स्टेट टू का, बिल्कुल, तो कार्बन है इसमें भी देखो वो पार्शियल बॉन्ड होगा न्यूक्लियोफाइल के एडिशन का, न्यूक्लियोफाइल पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, और फाइनली जब ऐड हो जाएगा तो आर न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बोलिए सारे पॉइंट्स बता सकते हो, बोलो, है ना, तो टू स्टेप रिएक्शन, टू ट्रांजिशन स्टेट्स है, वन इंटरमीडिएट है, है ना, अगर ये रीअरेंज करता है तो जितनी बार रीअरेंज करेगा उतनी बार और आपके इंटरमीडिएट बन जाएंगे, उतनी स्टेप्स रिएक्शन और बढ़ जाएगा, है कि नहीं है, बताइए। चलो इतना लिखो पहले, बोलिए कहीं कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया, है ना, फर्स्ट स्टेप आरडीएस है वो भी समझ में आ गया, सेकंड स्टेप है रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप का है क्यों है, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है ना, तो पॉइंट क्लियर है, आगे चले, चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो, जैसे मैं आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बना दूं तो बता सकते हो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बताइए क्या ऑर्डर होगा, बताओ, बोलो, 1 2 3 4 किस पर डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है, आरडीएस में फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन देखना है आपको, है ना, रीअरेंज के बाद नहीं देखना है कि स्टेबल हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, उससे मतलब नहीं है, जस्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन देखो, है ना, तो 3 डिग्री वाला है ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 डिग्री देन 1 डिग्री और सबसे लास्ट में तो मिथाइल, है ना, ये मिथाइल वाले में तो होता ही नहीं है एस एन वन टाइप का रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं फॉर्म हो पाता है ना, तो मिथाइल में तो भूल ही जाओ एस एन वन रिएक्शन। अच्छा, मान लीजिए आपको पता है 1 डिग्री वाले में सबसे कम रेट होता है, अगर सबसे कम रेट में भी अगर आपसे पूछा जाए कि सब 1 डिग्री वाले हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो फिर देखो आप बीटा पर ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, तो जिसमें बीटा वाली पोजीशन पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी ना
उसका रेट ऑफ ज्यादा होगा, है ना. मतलब एज द बीटा ब्रांचिंग, बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज, रेट ऑफ एस एन वन ऑल्सो इंक्रीजेस. मतलब कि अल्फा वाला तो हिंडर्ड नहीं है, ब्रांच्ड नहीं है, है ना, पर बीटा वाला है. तो देखो होने को तो वन डिग्री है क्योंकि लीविंग ग्रुप वन डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, पर बीटा वाली पोजीशन पर देखो ब्रांचिंग है, ज्यादा पर की ग्रुप है, है ना. तो इसी टाइप के और कॉम्बिनेशन बना लेते हैं. बीटा पर थोड़ा कम ब्रांचिंग कर दिया, है ना, और थोड़ा कम ब्रांचिंग कर दीजिए बीटा वाली पोजीशन पर. तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बताओ. सबसे ज्यादा किसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा? फर्स्ट वाले पॉइंट का रेट ऑफ. हाँ बिल्कुल. तो जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसकी टेंडेंसी होगी लीव करने की. वैसे रेट तो कम होता ही है, वन डिग्री है तो, है ना, बाकियों कंपैरिजन में तो थ्री डिग्री कंपैरिजन, टू डिग्री कंपैरिजन तो कम है रेट, पर इन सब में अगर आप कंपेयर करोगे सब वन डिग्री वाले हैं, तो जिसका हिंडर्ड ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा. ठीक है, बोलिए, बात समझ में आया? चलिए ठीक है. अब हैलाइड्स के लिए स्पेशल बात करते हैं. ये तो हो गए जनरल पॉइंट्स, हमने सब जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, लीविंग ग्रुप करके लिख रखा है सब जगह, है ना. अब मैं थोड़ा स्पेशल आपको हैलाइड्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट और बताता हूँ, है ना, रिएक्शंस वगैरह के बारे में. तो मेन पॉइंट है फॉर एल्काइल हैलाइड्स, है ना, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यही होती है, है ना, ऐसे रिएक्शन ही होती है एल्काइल हैलाइड्स की. बता सकते हो क्यों होती है एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बोलो क्या रीजन है? हाँ, क्योंकि हैलाइड्स आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, है ना, और गुड लीविंग ग्रुप भी होते हैं, इजिली रिमूव भी हो जाते हैं, तो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, है ना. तो इन सब रीजंस की वजह से जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है. ठीक है ना. चलिए तो एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं. आप देखो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या मिलेगा, रिएजेंट्स के बारे में देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या रिएजेंट्स आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए. तो देखो जनरली वीक टाइप का ही न्यूक्लियोफाइल मिलता है ना, क्योंकि इन सब कंडीशन को देख के आपको समझ में आता है कि रिएक्शन एस एन वन से होने वाला है ना, क्योंकि अभी और भी ऐसे रिएक्शंस हैं, एस एन टू है, आई है, एनजीपी है, है ना, तो उन सब की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए. तो कैसा है, कैसे पहचानोगे कि एस एन वन टाइप का रिएक्शन है? न्यूक्लियोफाइल को देख के. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा आपका? सॉल्वेंट टाइप का होगा, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल आपको मिल गया, थायोल आपको दे दिया गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया गया, तो समझ जाओगे कि ये कैसे हैं सब के सब, वीक टाइप की न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट ही है सब, है ना. वाटर सॉल्वेंट ही तो हो गया, एल्कोहल सॉल्वेंट ही तो है, तो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में मिल रहा है आपको. मतलब समझ जाइए कि रिएक्शन कैसे कराना है आपको, एस एन वन के थ्रू कराना है, है ना. जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन में मिलते हैं. जैसे आपको मिलेगा H2O/एसीटोन, है ना, ज्यादातर ये क्वेश्चन में मिलेगा इसी तरह लिखा हुआ, है ना. या आपको मिलेगा H2O/एल्कोहल, इस टाइप से कुछ कुछ मिलता है, ठीक है. या आपको मिल जाएगा H2O/Ag+, है ना. या क्वेश्चन में दे दिया जाएगा Aqueous AgNO3, तो मतलब तो वही है ना, वाटर H2O भी और Ag+ भी है, है ना. तो ये बहुत कॉमन आपके पास रिएजेंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में मिलते हैं. अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि हमने एसीटोन क्यों यूज किया, एसीटोन तो एप्रोटिक टाइप का होता है. बोलिए बताओ, है कि नहीं है? तो ये जो एसीटोन और एल्कोहल जो हमने यूज किए ना आप, ये केवल और केवल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किए हैं. तो इनका काम ऐसा नहीं कि रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ये केवल सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपको पता है हैलाइड्स जो भी होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होता है, है ना, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, और अगर सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो ये जो एसीटोन और एल्कोहल जो इस टाइप की यूज करते हैं ना, वो केवल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने में करते हैं. तो चाहो तो लिख भी सकते हो इसको पॉइंट को, है ना, क्या कि एसीटोन एंड एल्कोहल्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग
सॉल्युबिलिटी ऑफ आर एस, एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए करता है। ठीक है, तो बोलिए रिएजेंट समझ में आ गए, किस टाइप के रिएजेंट आपको मिलने वाले हैं, बोलिए। चलो बनाओ जल्दी से इतना। हो गया कंप्लीट, बोलिए सर ने। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया रिएजेंट्स वाला, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट है सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं अब जल्दी से हम लोग, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था शुरू में कि किस टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए, बोलो। प्रोटीक, पोलर प्रोटिक, है ना। पोलर का रीजन तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि पोलर टाइप के रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस बात है पोलर फेवर करेगा, है ना। तो प्रोटिक क्यों चाहिए ये बताओ मुझे, पोलर प्रोटिक ही क्यों चाहिए, बोलो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड होने वाला है ब्रेक RX वाला, और वो भी यूनिमोलिक्यूलर है तो अपने आप से ब्रेक होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ ये अपने आप से क्यों ब्रेक होगा, बताओ। R प्लस और X माइनस अपने आप से क्यों बनेंगे, बन सकते हैं क्या ऐसे ही अपनी मर्जी से, ऐसे ही बोलो। No, sir. तो इसको एनर्जी तो देना पड़ेगा ना आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करोगे, है ना। कोई विदाउट एनर्जी वाला कोई बॉन्ड तो होता नहीं है जो अपने आप से ब्रेक कर गया, है ना। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, बोलिए कहां से आएगी एनर्जी, सोचो जरा कहां से आया होगा एनर्जी इसका, सोच याद आ रहा है या भूल गए सब, बताओ कहां से आया होगा। सॉल्वेशन याद करो 11 प्लस, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, कुछ याद आ रहा है, बताइए। कैसे, आपके पास आर एक्स बॉन्ड है, आपको पता है कि R पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, X पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, वाटर है आपके पास, पोलर प्रोटिक है, वाटर की बात करते हैं, तो X को कौन सॉल्वेट करना स्टार्ट करेगा, वाटर का हाइड्रोजन पार्ट, हाँ डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करना स्टार्ट कर देगा इस साइड से। तो X जो है, जो भी नेगेटिव पार्ट है, उसको आपका वाटर का पॉजिटिव पार्ट सॉल्वेट करना स्टार्ट करेगा, देखो ऐसी इसको सॉल्वेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला आर है, उसका सॉल्वेशन कौन करना स्टार्ट कर देगा, उसको ये ऑक्सीजन वाला पार्ट स्टार्ट कर देगा, या जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है सॉल्वेंट का,
है ना, तो यहां से इसका ये वाला सॉल्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, बताइए, बोलो, ठीक है ना? तो क्या कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहां से मिल रहा है आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? इसी सॉल्वेशन से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो इंट्रैक्शन होता है, सॉल्वेशन होता है, वो एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस है ना, तो एनर्जी रिलीज होगा, और यही एनर्जी किस में यूटिलाइज होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होना चाहिए, ताकि दोनों को क्या कर पाए, सॉल्वेट कर पाए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट, जब आपके आयंस बन जाएंगे, इनको सॉल्वेट करके इसको ब्रेक कर दिया, तो आयंस को भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। बोलिए, है ना, तो सेकंड काम क्या है सॉल्वेंट का, टू स्टेबलाइज इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना। जैसे इंटरमीडिएट बन गया आपका कार्बोकैटायन, है ना, और दूसरा है आपके पास एक्स माइनस, ब्रेक कर दिया बॉन्ड को, तो क्या करेगा, तो देख सकते हो इस आर पॉजिटिव को आपका, ये देखो जो भी आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो उसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा, देखो, ठीक है ना। और एक्स माइनस है, उसको भी देखो सॉल्वेंट, इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। बोलिए, तो मैं बताइए, अब बताइए कहीं कोई डाउट है तो, रोल समझ में आ गया सॉल्वेंट का क्या रोल है, है ना। तो ऐसे में रिएक्शन किस टाइप की मीडियम में होती है, पोलर प्रोटिक मीडियम में होती है ना। और यही जो आपके पास सॉल्वेंट होता है, वही आपका किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो जैसे कैटायन बनता है तो एच टू हो जाके अटैच भी हो जाता है इसी से, तो सॉल्वेंट की तरह भी काम किया, इस बॉन्ड को ब्रेक भी करवाया, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैच भी हो गया। बोलिए, अब तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा एस एन वन का, या कहीं कोई डाउट है, बताइए। नो सर। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से। अब एक मेन पॉइंट और बचा हुआ है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और देखना है आपको थोड़ा सा, है ना। चलिए लिखिए इतना। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, बताइए, देख लिया सबने? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक लास्ट पॉइंट और इसमें समझाने वाला, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री इसका, है ना। तो लिखिए, तो देखिए ध्यान से, आपके पास है RX, है ना, यहाँ ध्यान से समझना है आपको। RX को क्या करना है आपको, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ऐसा तो है नहीं है सीधा बॉन्ड गायब ही हो जाएगा, है ना, बीच में स्टेप्स भी होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इस RX से बनता है आपका R प्लस X माइनस, है ना, मतलब बॉन्ड तो ब्रेक हुआ पर साथ में ही है अभी, R और X अलग से सॉल्वेट नहीं हुए, है ना, सेपरेटली सॉल्वेटेड नहीं हुए हैं ये, है ना। तो इस आर एक्स को जब इस साथ में रहते हैं तो इसको इंटीमेट आयन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीमेट आयन पेयर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होते हैं, ये सेपरेटली सॉल्वेटेड होते हैं, फिर आर पॉजिटिव अलग सॉल्वेटेड हो गया और एक्स माइनस अलग हो गया, अलग से सॉल्वेटेड हो गया, है ना। तो जब ये आयन पेयर की फॉर्म में होते हैं, उस समय भी न्यूक्लियोफाइल इस आर पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, ठीक है। और जब R पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो मुझे बताओ किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, अगर कायरल है तो, मतलब कायरल की बात कर रहे हैं, सब कायरल ही है, तो अगर कायरल प्रोडक्ट आपका बनता है, है ना, तो बताओ किस टाइप का कॉन्फिगरेशन बनेगा इसमें, R इंडेक्स, तो इसमें केवल इन्वर्जन वाला बनेगा, याद रखना, केवल इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है।
और जब ये आर पॉजिटिव बन जाएगा उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, है ना, आर पॉजिटिव बन गया सेपरेटली, है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ तो कायरल बना, तो कायरल बनेगा तो अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके पास, अब टू टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, तो इन्वर्टेड भी बन सकता है और आपका रिटेंशन वाला भी बन सकता है, है ना, दोनों टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आपका इन्वर्जन भी बन गया और रिटेंशन भी बन गया, समझ में आया बात, बोलिए बोलो। Yes. हाँ जी बताइए, इतना समझ में आया, तो मुझे बताओ कि 100% रेसिमाइजेशन हुआ है क्या रिएक्शन में? No. बोलो, नहीं हुआ ना 100% रेसिमाइजेशन, क्योंकि 100% रेसिमाइजेशन होता है तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट सेम अमाउंट में बनता है, पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन रहा है ना, तो याद रखना SN1 रिएक्शन में 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है ना वो स्लाइटली ज्यादा ही बनता है हमेशा, ठीक है ना, तो ये याद रखना कि परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट, बोलिए बताओ, समझ में आया बात, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट, बोलो कहीं कोई डाउट है तो इसमें? नो डाउट सर, है ना, समझ में आया ना, अच्छा इसको ना क्या कह रहे हो, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है सर, वो इन्वर्जन ही क्यों बनता है, इन्वर्जन ही क्यों बनता है, अच्छा चलिए ठीक है, हाँ चलो पहले इसको इतना लिख लो, मैं इसको समझाता हूँ ना, डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ इसको, चलो क्लास नहीं शुरू है ना, नहीं हाँ जी दिल गया सब, मैं अपना बोलिए चलिए ठीक है, तो देखो मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ कैसे, अच्छा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व अभी मैंने बताया था, याद है कि यहाँ पे आपके पास RX है ना, सबसे पहले कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, देखो इस कैटायन के बनने से पहले इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो आप, मान लीजिए आपका कार्बन R है, मतलब इस तरह से लिखते हैं इसको, और इससे एक लीविंग ग्रुप आपका अटैच है, ठीक है ना, या हैलाइड ही मान लीजिए, चलिए हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हैलाइड ही मान लीजिए, और इसमें बाकी के ग्रुप्स भी हैं, तो इस तरह का होगा ये, और आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड आपका ब्रेक कर रहा होता है, तो कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और एक्स पे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आप मुझे बताइए उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से है, कहाँ से अटैक कर सकता है वो, केवल बोलो बोलो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा,
न्यूक्लियोफाइल के लिए पॉसिबिलिटी एक ही है कि इसकी बैक साइड से अटैक करे बस केवल, है ना। जैसे लीविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है उसके कहां से कर सकता है, केवल बैक साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बन जाता है इसी स्टेट में, इसी ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है, वो कैसा बनेगा, वो ऑब्वियस ही बात है वो इन्वर्टेड वाला ही बनेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे अटैच हुआ है ना। तो स्लाइटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो स्लाइटली इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट या इन्वर्टेड प्रोडक्ट, समझ। और एक बार कार्बोकैटायन बन गया, अब कार्बोकैटायन के बाद तो देखो दोनों टाइप के प्रोडक्ट ही बनेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे। अब कार्बोकैटायन एक बार फॉर्म हो गया तो फिर तो आपके दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, रिटेंशन भी बनेगा और इन्वर्जन भी बनेगा, है ना। पर इस कार्बोकैटायन के बनने से पहले ही क्या करता है, इस ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है ना। तो बहुत स्लाइटली अमाउंट में, कम अमाउंट में इन्वर्टेड प्रोडक्ट पहले ही बना लेता है कार्बोकैटायन के बनने से पहले ही, क्योंकि कार्बोकैटायन एक बार बन गया तब तो फिर 100% रेसिमेशन होगा, पर उससे पहले ही क्या बन गया आपका, इन्वर्टेड थोड़ा सा ज्यादा बन गया। तो ओवरऑल तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा हो ही गया ना आपका, बोलिए। बस सर मैं यस सर, है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया ना। याद रखिएगा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट स्लाइटली ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब 100% एसिमाइजेशन SN1 रिएक्शन में नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट, अब आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, अगर उसमें ऐसा कोई ऑप्शन हुआ ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको रिटेंशन वाला, सॉरी वो क्या बोलते हैं रेसिमाइजेशन वाला, तो रेसिमाइजेशन वाला टिक करना है आपको, है ना। अगर आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है ऑप्शन में कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा है, तो फिर मोर करेक्ट ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, समझ में आ गया ना, बोलिए। चलिए ठीक है, तो आपको एसएन वन रिएक्शन समझ में आ गया, है ना। तो पहला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, राइट। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग, है ना, मतलब मैकेनिज्म कौन सा है विद एसएन वन मैकेनिज्म, बोलिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे Cl है ना, इधर 2 डिग्री है, यहाँ पे इसका 1 डिग्री है। सेकंड है, चलिए बनाइए, ऑर्डर बताते हैं ना आपको बस केवल, चलो खुद से बनाओ जल्दी जल्दी, देखो क्या आंसर आता है, पिक करते जाइए ऑर्डर को, बनाते जाइए। हाँ जी बताइए, फिर फर्स्ट वाले में आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा ये, हाँ 1 2 3 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ना। सेकंड में आंसर क्या होगा बोलो, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला कैटायन जो बनेगा वो 3 डिग्री है, इधर 2 डिग्री है, लास्ट वाले में 1 डिग्री है। अब देखो इन तीनों का ही जब आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है,
क्योंकि कहीं भी कैटायन बाद में रीअरेंज करके वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब इसमें भी अगर कैटायन बनेगा तो क्या करेगा वो, कैटायन रीअरेंज करके 3 डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बोलो? तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इसका रेट बराबर हो जाएगा तीनों का, नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है? आरडीएस में क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना? तो रीअरेंज के बाद नहीं देखना है आपको, सीधा फॉर्म करके देखो पहली बार में कि कौन सा बन रहा है। तो पहली बार में तो 1 डिग्री वाला ही बनेगा ना इसमें, तो विदाउट रीअरेंजमेंट तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 3 डिग्री के कंपेरिजन, ठीक है? तो फॉर्म्ड कार्बोकैटायन देखना है आपको, रीअरेंज के बाद नहीं देखना है, तो कंफ्यूज मत होना बाद में कभी क्वेश्चन करते वक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। सेकेंड क्यों होगा, इसमें कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा क्या? बोलिए, नहीं बनेगा। बेंजीन पे कार्बोकैटायन है ना, एक तो रेजोनेंस नहीं, ऊपर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और भी ज्यादा अनस्टेबल। और वैसे भी क्लोरीन का रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, याद करिए, याद है रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्लोरीन के पास, क्लोरीन और कार्बन के बीच में, इसको आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे अपने आप से, है ना? मतलब SN1 रिएक्शन शो ही नहीं करता है, याद रखना कि एराइल हैलाइड्स डू नॉट शो SN1 रिएक्शन, लिख लीजिए, डू नॉट शो SN1, तो SN1 नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है आपको, है ना? तो एराइल हैलाइड्स कोई भी हो, किसी भी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच है, तो उसमें आपको SN1 रिएक्शन नहीं कराना है, ठीक है? चलिए फोर्थ वाला पॉइंट बताइए। 1, 2, 3 जब R सेम है तो ऑब्वियसली बात है लीविंग ग्रुप पे डिपेंड कर जाएगा, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। फिफ्थ वाले में बोलिए। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, कंपैरिजन कर सकते हो, है ना? सिक्स में बताइए, सिक्स में क्या होगा? 1, 2, 3 नहीं, सबसे ज्यादा 2, 1 देन 3 और 1 वाला तो होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्यों? फर्स्ट वाले में, ठीक है? चलिए देख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट। सर फोर्थ वाला फिर से बताइए। फोर्थ वाले में लीविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है ना, आर तो सेम है सब में, तो जितना इजीली रिमूव हो जाएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, उतना फास्ट जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो आई सबसे इजीली रिमूव हो जाएगा ना जल्दी से, है ना? तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा रेट, ऐसा है। चलो लिखो फिर और क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया, चलिए ठीक है। तो और क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कार्बोकैटायन वाले क्वेश्चन थे, याद है जीओसी के टाइम पे आप लोगों ने कार्बोकैटायन के क्वेश्चन बनाए थे, कुछ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले, तो वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इन सब क्वेश्चंस को ना, तो वही सेम ही क्वेश्चन रहता है, बस कैटायन की जगह हैलाइड लगा दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से ऑर्डर, क्या ऑर्डर आएगा?
हो गया क्वेश्चन? चलिए सेवेंथ बताइए, सेवेंथ में क्या आंसर होगा? One, है ना, एरोमेटिक बनेगा, ज्यादा स्टेबल कैटायन। एट्थ वाले में 312, तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, उसके बाद वन और टू तो है ही अभी। नाइन्थ वाला बोलिए 4321 प्लस एच, याद है 3α H है तो ज्यादा प्लस एच लगेगा CH3 का, तो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा कैटायन को, है ना, हाइपर कंजुगेशन। चलिए टेंथ वाला बताइए 1 2 3 1 2 4 3 सबसे ज्यादा वन प्लस एम नाइट्रोजन का, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, फिर ऑक्सीजन का प्लस एम, देन टू, फिर लास्ट वाला फोर, और NO2 तो माइनस एम वाला ग्रुप है तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो सबसे कम रेट इसी में हो जाएगा। बता सकते हो भाई, जीओसी वाले क्वेश्चन ही तो है, कुछ अलग क्वेश्चन थोड़ी ना। 11 बताओ 1 2 3 4 मेटापोजिशन पर है तो अब मेन इफेक्ट इंडक्टिव है, तो जितना ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप होगा, प्लस आई वाला ग्रुप देखो 3 डिग्री है सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसी का रेट ज्यादा होगा। बोलिए बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी भी, बोलो। चलो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ मुझे, बोलिए किसका रेट ज्यादा हो, बताओ। कार्बो का टाइम तो सेम ही बनने वाला है ना, कोई ग्रुप तो है नहीं, तो बोलिए इसका रेट ज्यादा होगा। सेकंड नहीं, फर्स्ट, फर्स्ट का ज्यादा होगा, फर्स्ट अनस्टेबल है, एक्सियल पोजीशन पर है ब्रोमीन, तो जल्दी से रिमूव करना चाहेगा वो। सेकंड पे तो रिलेटिवली स्टेबल है ना, SN1 का मतलब है लीविंग ग्रुप हटना चाहिए, जल्दी से कैटायन बनना चाहिए, तो जल्दी से कैटायन किसमें बनेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा, क्योंकि कैटायन का स्टेबिलिटी तो सेम ही है दोनों में, है ना, तो जल्दी से रिमूव कौन सा होगा, फर्स्ट वाले में से रिमूव होगा, एक्सियल पे ज्यादा अनस्टेबल है, जल्दी से रिमूव करने की कोशिश करेगा, समझ में आया, बोलिए, है ना। चलिए ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, एक लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, है ना, और इसमें बता दिया दोनों के दोनों सेम कंसंट्रेशन है, वन मोलर मान लीजिए, है ना, इसका रेट R1 है। अब आपने क्या किया कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, है ना, इसका रेट क्या कर दिया, R2 कर दिया। बोलिए R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप होगा, बोलिए, बोलो, या वन मोलर मत करिए, है ना, कुछ और कंसंट्रेशन कर देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए इसका C1 कंसंट्रेशन है, इसका C2 कंसंट्रेशन है ना, इसका C1 ही रहने देते हैं, इसको ट्वाइस कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया न्यूक्लियोफाइल का, हाँ, तो बोलिए क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा बताओ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, डिपेंड नहीं करते है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन आप कितना भी करिए, ट्वाइस करिए, है ना, तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अच्छा, पर अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता कि इसका जैसे C1 कंसंट्रेशन है ना, न्यूक्लियोफाइल का कुछ C2 टाइप का कंसंट्रेशन है, रेट R1 है, और आपने क्या किया, आपने इसके कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, है ना, और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन सेम रहने दीजिए, जो भी आपका C2 टाइप का कंसंट्रेशन है, और इसका रेट हो गया R2, बोलिए हाँ, तो अब रेट आपका इंक्रीज कर जाएगा, है ना, और इंक्रीज क्या करेगा, ट्वाइस हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 2 times इंक्रीज कर जाएगा ना पूरा, बोलिए, है ना, बताओ। चलिए ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग, तो रेट वाले क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए लिखिए इतना।